बच्चे अपने घरों पे बैठे हैं, अपने स्वास्थ्य केंद्र पे बैठे हैं, पर ये लोग हमारी मांगे नहीं मांग रहे हैं। तब तक हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आएंगे, तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। लोगों की परेशानी जल्द कहने का आपको नहीं लगता कि वो परेशान हो रहे तो हमें काम परेशान हो रहे हैं लोग भी हो रहे हैं, और हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पे चले जाएं, पर जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी तब तक हम अनिश्चित धरने पे बैठेंगे। बाड़मेर जिले में 17 मई से महिला स्वास्थ्य कर्मी ANM धरने पर बैठी है, और आज इनका जो है प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी एक ANM जो धरने पर बैठी थी उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लगातार इनकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, और ये लोग कह रहे हैं कि हमारी मांग जो 3600 ग्रेड पे की है उसे पूरी की जाए, क्योंकि इनका धरना जो लगातार बढ़ता जा रहा है। 17 तारीख से आज तक लगातार ये धरना दे रहे हैं, तमाम प्रकार की इन लोगों की मांगे हैं। और अभी बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन को ज्ञापन भी देकर आए हैं, लगातार ये समय समय पर जाकर के अधिकारियों को ज्ञापन भी दे रहे हैं। क्या बताइए, एक तरफ आ जाए, क्या नाम है आपका और किस तरीके आप लोगों की मांगे? मेरा नाम मकनी पवार है। हमारी मांगे हैं कि हमारा पे ग्रेड 3600 हो, और हमारा ड्यूटी शर्ट है जो नहीं है वो भी बनना चाहिए, और हमारी समय समय पर मांगे हैं कि जो प्रमोशन की वो नहीं होता है वो भी समय समय पर होना चाहिए। अच्छा, आप लोग 17 तारीख से धरने पर बैठे, तो तमाम आपके प्रदेश आपका जो संगठन है उससे भी बात हो रही है, क्या कह रहे हैं? वो यूँ कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे, जब तक हम बैठे रहेंगे, हमारी सरकार जल्दी मांगे पूरी कर लेगी तो हम अपना जल्दी अपने काम पर चले जाएंगे वापस अपने फील्ड में। अच्छा, आपके धरने पर बैठी एक ANM की तबीयत ही खराब हो गई थी। हाँ, वो रात हमारे बाड़मेर जो जिला अध्यक्ष है मंजू पूनिया, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि गर्मी ज्यादा थी, बाड़मेर का टेम्परेचर बहुत हाई है। और तो अब आप सरकार को क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमारी मांगे मान लो या फिर कोई और? बिल्कुल। हमारी जल्दी से जल्दी मांगे मान लें, हम अपने काम पे चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग जल्दी पूरी करे, हमारी 3600 ग्रेड पे करे, और LSV की ग्रेड पे 3600 से 42 जो की जाए, और ANM की 3600 की जाए। अच्छा, आप बताएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोग हैं परेशान भी हो रहे हैं, आप समय इलाज नहीं करते हैं और गर्मियों की जन भी, तो कितनी परेशानी लोगों को हो रही है? परेशानी तो लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है। डिलीवरी के लिए आते हैं, रात को 12 बजे फोन आता है, दिन में आता है, वैक्सीनेशन प्रभावित हो रहा है, रूटीन है वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है। और आप क्या सरकार को यही कह रहे हैं कि हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम लोग नहीं जाएंगे ड्यूटी पर? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। लोगों की परेशानी जल्द कहने का आपको नहीं लगता कि वो परेशान हो रहे तो हमें काम परेशान हो रहे हैं लोग भी हो रहे हैं, और हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पे चले जाएं, पर जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी तब तक हम अनिश्चित धरने पे बैठेंगे। तो आप भी अपने बच्चों को साथ में लेकर आते हैं, हम लोग तो देखते हैं तो कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में बहुत टेम्परेचर है, तो ऐसी गर्मी में चाहते हैं कि हम भी अपने घरों पे बैठे हैं, अपने स्वास्थ्य केंद्र पे बैठे, पर ये लोग हमारी मांगे नहीं मांग रहे हैं। तब तक हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आएंगे, तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। निश्चित रूप से देखिए कि बाड़मेर जिले की तमाम ANM महिला स्वास्थ्य कर्मी है, वो एक ही मांग कर रही है कि हमारा जो ग्रेड पे है वो 3600 होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। सहयोगी उम्मीद है, मैं आपका साथी अशोक सेरा।